स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिटी न्यूट्रिशन में, वो है आपका मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। यानी कि जो न्यूट्रिशन एजुकेशन होता है, यानी कि एक तरीके से पौष्टिक शिक्षा जो होती है, वो उसका अर्थ क्या है या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये आपकी जो है नेक्स्ट जो यूनिट है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले देखेंगे हम मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। सिर्फ इसमें मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन है, एजुकेशन जो है नहीं है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो पोषण वह है जो हमारे शरीर की वृद्धि विकास एवं विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए सहायक होते हैं। यानी कि जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं या जो भी हम भोजन खाते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, हमारी वृद्धि विकास करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए सहायक होते हैं। तो यानी कि एक ऐसा भोजन या एक ऐसा पोषण जो जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स या सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं, ठीक है, और जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए या हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए हमें सहायक होते हैं। ठीक है, तो इसे फूड का विज्ञान भी कहा जाता है। तो पोषण के अंतर्गत विभिन्न तत्व होते हैं, यानी कि जो हमारा भोजन होता है उसके अंदर या पोषण के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो नॉर्मल बेसिक सबको पता है। पहला हमारा होता है फैट, ठीक है, प्रोटीन होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वाटर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो जो हमें भोजन में किसी न किसी रूप में लेने होते हैं या हमारे भोजन में उपलब्ध होने चाहिए, ताकि जिससे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होगा, हमें एनर्जी मिलेगी, ताकि हम किसी भी कार्य को इजीली अच्छे से कर सकते हैं और हमारा जो वृद्धि विकास है वो बहुत अच्छे से होगा और हमारी इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा बनता है या हमारी हमें बहुत सारे बीमारियों से बचाने के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये पौष्टिक तत्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो हर एक पौष्टिक या हर एक न्यूट्रिएंट्स का जो कार्य होता है वो सबका अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी। जैसे प्रोटीन का कार्य क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग, यानी कि एक तरीके से हमारे जो हमें एक तरीके से हमारी बोन्स को स्ट्रोंग करना या हमारी जो हमारा शरीर है उसकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए, हमारी बोन्स को स्ट्रोंग करने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो प्रोटीन करती है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें एनर्जी प्रदान करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी भी कार्य अगर करना है तो हमारे शरीर को ऊर्जा की जो है ज़रूरत होती है। नॉर्मल हम शारीरिक कार्य करते हैं तो भी उसमें हमारी बहुत सारी शारीरिक एनर्जी लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल भी हमारी जो खुद ऐसी एक्टिविटी होती है तो जिसमें भी जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करता है। तो विटामिन्स का क्या कार्य है, टू मेंटेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो वृद्धि और विकास। तो ऐसे ही हर एक न्यूट्रिएंट्स का, और देखिए जल जो होता है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जल पाया जाता है, तो हर एक पोषक तत्व का अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, अपना अपना एक कार्य होता है शरीर में। तो न्यूट्रिएंट्स यानी जो हमारे भोजन में जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो हमारे भोजन में सही या उचित मात्रा में होने ज़रूरी है, जो हमारे शरीर के अलग अलग कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार भोजन के द्वारा यदि इन तत्वों को ग्रहण करते हैं, यानी अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करते हैं या इन तत्वों को अगर हम ग्रहण करते हैं, तो हम शरीर यानी जो हमारा शरीर है, शरीर को स्वस्थ व निरोगी जो है रख सकते हैं। जिससे देखिए, अगर हम पूरी पोषण तत्व को या पौष्टिक तत्व को अगर ग्रहण करते हैं भोजन में किसी न किसी रूप में या किसी न किसी मात्रा में, तो वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, हमारे शरीर के जो इतने सारे कार्य होते हैं उन कार्यों को अच्छे तरीके से कर सकता है हमारा शरीर और हमें
जिंदगी रख सकता है, जिससे हम स्वस्थ अगर व्यक्ति रहेगा तो वो किसी भी प्रकार का कार्य बहुत इजीली कर सकता है। अगर उसके शरीर में किसी भी कार्य को करने के लिए अगर एनर्जी है या उसका शरीर का सही से वृद्धि विकास हो रहा है तो वो किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से इजीली कर सकता है। तो जो आपका ये टॉपिक है या जो स्लाइड है, सिर्फ ये आपकी मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन है, ये एजुकेशन इसमें नहीं है। अब आता है आपका मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यानी कि जो एजुकेशन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है, यानी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा मानव अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यानी कि जो उसका बिहेवियर होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करता है तो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, चीज़ों को या किसी भी कार्य को करने का सही तरीका उसको आता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, वो अपने कुल मिलाकर के वो अपने व्यवहार में बहुत सही और सकारात्मक परिवर्तन लाता है। तो तथा शिक्षक के द्वारा वह अपने ज्ञान को बढ़ाता है तथा अपने आप में अच्छी आदतों का निर्माण करता है, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा, हर चीज़ के बारे में उसको ज्ञान होगा, किसी भी कार्य को करने का सही तरीका होगा, तो यानी कि वो अपने बिहेवियर में चेंजेस ला रहा है, अपने बिहेवियर को और अच्छा बढ़ा रहा है, ज्ञान को इकट्ठा कर रहा है या ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, तो जिसमें वो एजुकेशन के थ्रू कुछ बहुत सारी अच्छी आदतों का निर्माण कर रहा है, एक अपने अपने व्यक्तित्व का निर्माण वो बहुत अच्छे से कर रहा है। अतः इस संबंध में कहावत कही जाती है, यानी कि कहावत कही जाती है एजुकेशन को लेकर के, कि अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो उसको इतनी ज़्यादा किसी भी कार्य को करने का इतना तरीका नहीं आता, अपने व्यक्तित्व में वो सुधार नहीं कर सकता, अपनी अच्छी आदतों का वो निर्माण नहीं कर सकता, ना ही वो अपने व्यवहार में चेंजेस ला सकता है। तो एजुकेशन जो होता है या शिक्षा जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक अच्छे व्यक्तित्व निर्माण के लिए। तो शिक्षा के द्वारा ही वह एक अच्छा इंसान बन पाता है, यानी बहुत सारी अच्छी आदतों का निर्माण करता है, बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो सबके लिए या खुद के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्य को अगर आप सही तरीके से करते हो तो बहुत बहुत ज़्यादा सही होते हैं। तो मानव से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, यानी कि हर एक फील्ड की उसको, यानी लगभग उसको हर एक क्षेत्र की जानकारी होती है। तो मानव से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए पारिवारिक शिक्षा, कि अगर व्यक्ति घर परिवार में रहता है तो अपने जो बड़े होते हैं उनसे बहुत सारे अनुभवों को देखता है, उनसे बोलने का तरीका देखता है, अपनी अच्छी और सही आदतों का निर्माण करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पारिवारिक शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा है, कि समाज के जो नियम है, जो तौर तरीके हैं उनके अकॉर्डिंग रहना है, या समाज किस तरह का है उसमें किस तरह के कार्य करने उचित हैं। तो ऐसी बहुत सारे अगर एजुकेशन होगा, यानी उसे अगर शिक्षित होगा वो, तो उसे हर एक क्षेत्र की, हर एक चीज़ की नॉलेज या हर एक क्षेत्र का ज्ञान उसे प्राप्त होगा, तो जिससे एक उसका बहुत ज़्यादा जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में और ज़्यादा अच्छा निर्माण वो करेगा, यानी अपने व्यक्तित्व में और ज़्यादा परिवर्तन ला के वो एक अच्छा व्यक्तित्व बन सकता है, या संस्थागत शिक्षा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एजुकेशन, अगर व्यक्ति को अच्छे से है या वो शिक्षित है व्यक्ति, तो वो अपनी खुद की लाइफ को सुधार सकता है, या बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, बहुत सारे व्यक्तियों की मदद कर सकता है, क्योंकि अगर व्यक्ति को हर एक क्षेत्र का ज्ञान है या उसको अपने अंदर बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जिनको बहुत आदतों का निर्माण कर सकता है, या जैसे मान लीजिए
किसी भी व्यक्ति की हेल्प करना या किसी भी अगर किसी भी व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है तो उसको शेयरिंग करना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिस व्यक्ति को जिसकी ज़रूरत है उसकी हेल्प करना, तो ऐसी बहुत सारी अच्छी आदतें होती हैं जिनका निर्माण किया जाता है। या शिक्षा बताता है कि व्यक्ति को अपना बिहेवियर कैसा रखना है या किस व्यक्ति के आगे किस तरह अपना जो बोलचाल का तरीका है वो करना है, जो एक सही बोलचाल का तरीका जो है शिक्षा सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।